सोलन अस्पताल में मानक पूरे न होने की वजह से डीएनबी के तहत एमडी के समक्ष कोर्स करने वाले चिकित्सकों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि प्रशिक्षु चिकित्सकों को शिक्षा दे रहे चिकित्सक यहां से ट्रांसफर हो गए हैं और नए चिकित्सक को नियुक्त नहीं किया गया है। यही कारण है कि प्रशिक्षु चिकित्सकों की शिक्षा बीच में अधूरी रह गई है। ये चिकित्सक जहां एक और अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करते थे और रोगियों का उचित इलाज भी करते थे, लेकिन अब ये चिकित्सक अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति करे ताकि उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। रोष प्रकट करते हुए डीएनबी से एमडी समक्ष कोर्स कर रहे सोलन में तैनात राकेश कुमार चिकित्सक ने कहा कि सोलन अस्पताल में दो जिला मंडी में चार चिकित्सक अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब वरिष्ठ चिकित्सक ना होने की वजह से वे अपना कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएनबी को जो मानक चाहिए वे प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि डीएनबी और चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल नहीं भेज रही है, जिसका असर उन पर तो हो ही रहा है, साथ में इलाज करवाने वाले रोगियों पर भी इसका निकट भविष्य में दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि प्रदेश सरकार के पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, जो चिकित्सक उच्च शिक्षा के लिए यहां आए थे उनके मानक पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और ना ही और चिकित्सक यहां आएंगे। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे चिकित्सक जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। आपको बता दें कि डीएनबी से छह चिकित्सक पहले ही मंडी, टांडा और सोलन में सेवाएं दे रहे हैं। हर वर्ष इनमें छह चिकित्सक डीएनबी के माध्यम से प्रदेश को मिलते हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा करने प्रदेश में आएंगे, लेकिन अगर डीएनबी के मानक ही पूरे नहीं होंगे तो शिक्षा ग्रहण करने आए चिकित्सकों को केवल सरकार स्टाइफंड उपलब्ध करवाती है, जो चिकित्सकों की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो निकट भविष्य में फिर से चिकित्सकों की कमी से जूझना पड़ सकता है। जुर्म कर जेल में कैद सजायाफ्ता कैदियों को सुधारने के लिए कामगार और सुधारात्मक विभाग द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत जुर्म करने वाले हाथों को प्रशिक्षण के माध्यम से हुनर दिया जा रहा है और अब वे अपराध के बारे में न सोचकर जेलों में विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं और अब विभाग द्वारा उनके उत्पाद बेचने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी निपुण हाथों ने बनाया है। जिससे ये बात साबित होती है कि अगर अपराधियों को सही दिशा मिले तो उन्हें अच्छे रास्ते पर डाला जा सकता है। सोलन नगर परिषद में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ एसपी मधुसूदन शर्मा ने किया। एसपी मधुसूदन शर्मा और एसी2 डीसी भानु गुप्ता ने बताया कि कैदियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें नाहन, कंडा, कैथो, सोलन के कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी। प्रदर्शनी में हिमाचली टोपी, शॉल्स, मफलर, फर्नीचर, बेकरी के उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये बेहद उत्तम किस्म के उत्पाद हैं, जो बाजार से बेहद सस्ते हैं। कारण इसमें जो लोगों को खरीदने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें हमने जैसे नाहन जेल है हमारी, सोलन जेल है, कंडा है और कैथो जेल है, उनके जो प्रोडक्ट है यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। सन 1895 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल बैंक आज अपनी
स्थापना के 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत सभी 7000 शाखाओं द्वारा 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ और मजबूती से जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय है। मंडल कार्यालय हमीरपुर तथा अग्रणी जिला कार्यालय ऊना में आज इस उपलक्ष पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंडल कार्यालय हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपायुक्त ऋचा वर्मा द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जोनल अस्पताल हमीरपुर के डॉक्टर राकेश कुमार एवं उनके सहयोगियों की देखरेख में किया गया। इसी कड़ी में मंडल की विभिन्न शाखाओं में स्वास्थ्य जांच शिविर तथा ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों एवं पंजाब नेशनल बैंक के सभी स्टाफ द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। हमीरपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर एवं ऊना की सभी 94 शाखाओं द्वारा स्थापना दिवस पर अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सम्मानित किया गया तथा पेंशनर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख के तारनिया ने बैंक के इतिहास एवं प्रगति पर प्रकाश डाला एवं आगे भी बैंक द्वारा ऐसे योगदान देने का आश्वासन दिया। आज सवेरे डीसी मैडम ने आए थे, वहाँ उसको उद्घाटन किए हुए हैं और हमारा आशा है कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ रक्तदान करेंगे। आज उसमें हमारा स्टाफ भी रक्तदान कर रहे हैं, पब्लिक भी कोई भी आके रक्तदान कर सकते हैं, सब आपको हम स्वागत करते हैं। 4 बजे हमें नीचे ब्रांच में भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें हमारा स्टाफ और कस्टमर और पब्लिक, जनरल पब्लिक आएंगे, हम उनको भी बताएंगे कि बैंक के इतिहास के बारे में और फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, ये सारे चीज़ बताएंगे। वैसे ही हमारा हर ब्रांच में सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत सारे ब्रांच में हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, कुछ जगह जैसे ऊना में भी हमारा रक्तदान शिविर चल रहे हैं, हमने और कुछ मशीन्स भी डोनेट कर रहे हैं CRS के तहत, ये सब चल रहे हैं और ये 1 साल तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। विभिन्न दिन में स्पेसिफाइड दिन है उसमें भी हमारा ये 1 साल तक हम इसको मनाएंगे।